बात अब बिहार की कर लेंगे, जहां पर कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बिहार सरकार की बद इंतजामी की तस्वीरें आज तक ने आपको दिखाई थी और इसका असर भी अब देखने को मिला है। पटना के NMCH अस्पताल के अधीक्षक का तबादला कर दिया गया है। एम्बुलेंस बोलती है कि हम नहीं आएंगे, मेरे पास ये ऑक्सीजन, ये टेम्पो से लेकर आई हैं और ये अपनी गाड़ी से लेकर, पॉजिटिव है और आज उसको निकाल दिया गया, डेथ हो गया है उनका, डेथ हो गया, ये लोग इलाज कुछ नहीं किया, खाली बस ला के पार के, लोग से एकदम नहीं कहा गया कि टेस्ट होना है आपका, खाली बॉडी बोल दिया है। हाँ, ना हम लोग का टेस्ट करवा रहे हैं, ना किसी का टेस्ट करवा रहे हैं। बदहाल अस्पताल, बेहाल मरीज और चरमराती बिहार की कोरोना जंग। आज तक ने बिहार सरकार के कोरोना के खिलाफ इंतजामों के दावों की पोल खोली। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज में मरीजों का क्या हाल है, इसका सच आज तक ने देश के सामने रखा। पावापुरी मेडिकल कॉलेज में गए, वहां पर हम जाके 2 घंटा का इसी पर बैठे हुए हैं, सब डॉक्टर से नर्स से रिक्वेस्ट करते रह गए, हमारा ड्राइवर किसी को कुछ ताकने के लिए नहीं आया और अंत में फिर कुछ बात करने भी नहीं आया। अंत में फिर हम बोले, अपने परिवार को फोन किया, तब जाके फिर सब आदमी आया तो हम यहाँ की, चलो NMCH में कुछ होगा, यहाँ भी हम 3 घंटे से बैठे हुए हैं। आज तक पर इस रिपोर्ट के आने के बाद बिहार प्रशासन में हड़कंप मच गया, सुशासन सरकार की नींद खुली और NMCH पटना के अधीक्षक निर्मल कुमार सिन्हा का तबादला कर दिया गया। NMCH पटना में कोविड अस्पताल है, जहां के इंतजामों का बुरा हाल आज तक ने दिखाया था। और ये जो एडमिट हो गए हैं कोरोना पेशेंट NMCH अस्पताल में, वो ऐसे खुद अपना ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जा रहे हैं। सुबह से अंदर अपना अगर नहीं होता हम सुबह अंदर जाते, अगर ही नहीं रहा, हम अपना नेबुलाइज किए हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं, तू निकलिए, वो कहां गया मिस, कोई देखने वाला नहीं हमको। तो आखिरकार तमाम कोशिशों के बाद उन्हें इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया है। कागज तैयार नहीं है, लेकिन किसी कर्मचारी की अंतरात्मा जागी जिसने कहा कि चलिए कागज बाद में तैयार होंगे, पहले हम आपको अंदर लेकर चलते हैं। जो बिहार कल तक कोरोना के कम केस को लेकर राहत की सांस ले रहा था, वहां अब हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। नीतीश ने 31 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया है, लेकिन हालात काबू में आते नजर नहीं आ रहे हैं। कोरोना के केस 27,000 के पार पहुंच चुके हैं। मजदूरों की घर वापसी के बाद बिहार में कोरोना ने रफ्तार पकड़ी और केस में तेजी से बढ़ोतरी शुरू हो गई। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय बिहार सरकार की कोरोना के खिलाफ रणनीति से संतुष्ट नजर आ रहा है। जब माइग्रेंट पॉपुलेशन वहां पर वापस गई थी तो स्टेट ने उसको बड़े अच्छे ढंग से मैनेज किया और केसेस का स्प्रेड रोकने में स्टेट काफी हद तक सफल रही। उसके साथ ही जब केसेस की दर वहां पर थोड़ी बढ़ने लगी तो स्टेट ने एक बड़े प्रोएक्टिव स्टेप के रूप में पूरी स्टेट में वहां पर लॉकडाउन इस मंथ एंड तक लगाया हुआ है। बिहार में कोरोना के बिगड़ते हालातों ने सियासत को गर्म कर दिया। चुनाव सिर पर हैं और कोरोना के बेकाबू हालात एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनने को तैयार है। विपक्ष जहां लगातार कोविड पर खुली पोल को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साध रहा है, तो वहीं बिहार सरकार लगातार बचाव के मोड में नजर आ रही है। तेजस्वी के लगातार हमलों के बीच अब राहुल गांधी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। बिहार में कोरोना महामारी की स्थिति नाजुक है और राज्य सरकार के नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। अस्पताल वार्ड में लावारिस शव का पड़े होना बिहार सरकार के सुशासन का पर्दाफाश करता है। बहरहाल बिहार में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। सियासत गर्म है, लॉकडाउन जारी है, लेकिन सरकार के इंतजाम सवालों के घेरे में है। सुजीत झा और रोहित सिंह के साथ श्वेता सिंह, पटना आज तक। तो बिहार के बहुत सारे ऐसे जिले हैं जो पूरी तरह से बाढ़ से बेहाल हैं। मधेपुरा का रतवारा गांव जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है, कोसी नदी उफान पर है। देखिए हमारे संवाददाता रोहित सिंह की ये रिपोर्ट। कोसी नदी में जो जल प्रलय आया है उसकी तस्वीर दिखाने के लिए इस वक्त हम रतवारा गांव पहुंचे हैं। ये मधेपुरा जिले में पड़ता है और कोसी नदी से बिल्कुल ये सटा हुआ इलाका है। और आप देख सकते हैं पिछले कई दिनों से जैसे जैसे कोसी नदी में जलस्तर बढ़ता गया, पूरा का पूरा इलाका जो है वो जलमग्न हो चुका है और
सैकड़ों गांव में जो है वो पानी घुस गया है, जिसकी वजह से ये तमाम लोग जो है इन्हें अपने घरों को छोड़कर जो है कैंप्स में रहना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से, जिस तरफ भी आप नज़र दौड़ाइए आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखेगा। कुछ लोग अभी भी आप देख सकते हैं वो बच्चे वहाँ पर जो है वो फंसे हुए हैं, कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं, उनको भी निकाला जाएगा, लेकिन पूरे इनके घरों में कमर भर पानी भर आया है, जिसकी वजह से इन लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। और आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इन्हें अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही है। ये देखिए तस्वीर, इस तरीके से मचान पर बैठ के इनकी ज़िंदगी इस वक्त गुजर रही है। देखिए एक एक सामाजिक संस्था ने एक मचान की इन लोगों के लिए बनाया है, छोटा सा कैंप आप कह सकते हैं, और तकरीबन 150 लोग जो इस गांव के थे वो इसी कैंप में इसी तरीके से मचान पर अपनी ज़िंदगी गुजारने को मजबूर हैं। इनका आरोप है कि सरकार से कोई मदद नहीं मिलती है, ना विधायक पूछता है, ना सांसद कोई आता है, ना मुखिया पूछता है, और इसी तरीके से ज़िंदगी जो है आजकल मचान पर गुजर रही है। लेकिन ये जगह भी जहाँ पर है ये भी बहुत जल्द नदी में समा जाएगा। हालात क्या हैं देखिए, हमारे संवाददाता सीधा ग्राउंड जीरो से आपके लिए रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं। अब दूसरे तूफान की बात करते हैं, सियासी तूफान जो राजस्थान में मचा हुआ है। राजस्थान का घमासान फिलहाल 24 जुलाई तक जस का तस ही रहेगा और हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। स्पीकर को 24 जुलाई तक कोई भी कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा गया है। और उधर सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है वो ये कि गहलोत खेमा फ्लोर टेस्ट की पूरी तैयारी में है। आखिरकार पायलट खेमे को एक बार फिर राहत मिल गई और स्पीकर के नोटिस का जवाब देने से बचने की उनकी तमन्ना कोर्ट ने पूरी कर दी। कोर्ट पिछली सुनवाई में स्पीकर के फैसले पर मंगलवार तक के लिए रोक लगाई थी, अब ये रोक 24 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इसी दिन कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। मंगलवार को इस मामले में अंतिम सुनवाई हुई। पायलट खेमे के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, हाईकोर्ट के अधिकार को खत्म नहीं किया जा सकता, ये नहीं कहा जा सकता कि हाईकोर्ट विधानसभा के मामले में सुन नहीं सकता। एक तरफ 19 विधायकों को 3 दिन का वक्त दिया गया, दूसरी तरफ बीएसपी के विधायकों के पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आने के मामले में बीजेपी विधायक मदन दिलावर की शिकायत पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट ने इस पर कहा, अदालत अपना फैसला 24 जुलाई तक सुरक्षित कर रही है, विधानसभा अध्यक्ष 24 जुलाई तक अपनी कार्रवाई स्थगित करे। कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है, सभी पक्षों को सुन लिया गया है और उसके बाद कोर्ट ने ये कहा है कि स्पीकर के समक्ष जो आज कार्रवाई होनी है उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि 24 तारीख तक के लिए स्थगित करें। अब 24 के बाद अध्यक्ष ने मान लिया इस बात को, देखिए अभी ऑर्डर आ जाता है, लेकिन वो कोर्ट के द्वारा रिक्वेस्ट करी गई है, ऑर्डर समक्ष सामने आ जाता है कि वेदर इट्स अ डायरेक्शन और रिक्वेस्ट, बट प्रिंसिपली कोर्ट ने रिक्वेस्ट करी है कि 24 तारीख तक इसको आप सुनवाई को जो रिप्लाई है वो 24 तारीख के लिए डेफर करें। 3 दिन और इंतजार की खबर गहलोत खेमे के लिए परेशान करने वाली रही। कोर्ट के आदेश के बाद स्पीकर वकीलों से कानूनी पहलुओं पर विचार विमर्श में जुट गए तो गहलोत ने होटल पहुंचकर विधायकों को ढाढ़स बंधाया कि जैसे इतने दिन वैसे 3 दिन और। ये जो एपिसोड हो रहा है पूरा देश देख रहा है, जिस प्रकार की लड़ाई आपने लड़ी है ये कोई मामूली बात नहीं है। बहुमत को 100 करोड़ दिए हुए लोगों को एक साथ यहाँ रखना, टेलीफोन आपके पास में, मोमेंट आपका, कोई किसी में दबाव नहीं है। सूत्रों के मुताबिक कोर्ट का फैसला जो भी हो, कांग्रेस फ्लोर टेस्ट की तैयारी में है। कांग्रेस के अंदर ये बात उठ रही है कि मौजूदा हालात में बहुमत साबित करना सही फैसला होगा। पार्टी को यह भी आशंका है कि घमासान ज्यादा दिन छिड़ा तो उसके खेमे में सेंध लग सकती है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि पायलट को लेकर गहलोत के तीखे जुबानी हमले कांग्रेस आला कमान को रास नहीं आ रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है, क्योंकि कोर्ट के बाहर भी बहुत से दांव पेच जारी हैं। गहलोत टेप कांड से बाजी पलटने की सोच रहे हैं तो मंगलवार को एक पुराने मामले को लेकर सीबीआई ने गहलोत के ओएसडी को तलब कर लिया। जयपुर से शरद कुमार के साथ
आज तक ब्यूरो। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मिस्ट्री की जांच में जुटी मुंबई पुलिस ने अब फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को पूछताछ के लिए बुलाया है। मुंबई लौटते ही बांद्रा पुलिस स्टेशन में कंगना रनौत से पूछताछ की जाएगी और इस मामले में अब तक 38 लोगों से पूछताछ हो चुकी है, जिनमें यशराज फिल्म्स के आदित्य चोपड़ा और फिल्मकार संजय लीला भंसाली जैसे दिग्गज शामिल हैं। सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड मिस्ट्री की जांच में जुटी पुलिस ने अब फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को पूछताछ के लिए बुलाया है। बांद्रा पुलिस उन्हें समन भेज चुकी है, जिसे कंगना के एक स्टाफ ने रिसीव किया है। हालांकि अभी ये पता नहीं चल पाया है कि कंगना कब अपना बयान दर्ज कराने के लिए बांद्रा पुलिस के सामने हाजिर होंगी। कहा जा रहा है कि वो अभी मुंबई से दूर हिमाचल प्रदेश में है। मुंबई पहुंचते ही कंगना अपना बयान दर्ज कराएंगी। दरअसल कंगना ने सुशांत के सुसाइड के फौरन बाद ही माया नगरी में भाई भतीजावाद का मामला उठाया था। उनको कोई डेब्यू की कोई अक्नॉलेजमेंट कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई अक्नॉलेजमेंट नहीं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस कंगना से जानना चाहती है कि फिल्म इंडस्ट्री में कौन लोग सुशांत की छवि खराब करके उनके करियर को तबाह करना चाहते थे, क्योंकि कंगना कई बार अपने इंटरव्यू या सोशल मीडिया पर इस मामले में बेबाक राय रख चुकी हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मूवी माफिया ने ना कि सिर्फ उनको बैन किया था, सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग, कैसे कतरा कतरा करके उनका दिमाग तोड़ा गया है, उनको मारा गया है। तो ब्लाइंड आइटम आप इसलिए लिखते हैं क्योंकि आप जब झूठ लिखना होता है आपको के अंगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं लिया सकता, क्योंकि आपका तो नाम ही नहीं लिखा, मगर उसकी जो डिस्क्रिप्शन होती है, जैसे मेरे बारे में लिखा जाएगा कि जिस लड़की के घुंघराले बाल हैं, जिसको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, साइकोटिक है, इस तरह से जो कि मनाली से डिस्क्रिप्शन पूरी दी जाएगी, मगर नाम नहीं लिखा जाएगा। मंगलवार को इस मामले में फिल्म आलोचक राजीव मसंत से पुलिस ने पूछताछ की। बांद्रा पुलिस स्टेशन में करीब 10 घंटे तक पुलिस ने उनसे सवाल जवाब किए। कहा जा रहा है कि मसंत ने सुशांत की कई फिल्मों को नेगेटिव रेटिंग दी थी। सुशांत सिंह राजपूत केस में मुंबई पुलिस अब तक करीब 38 लोगों से पूछताछ कर चुकी है, जिनमें यशराज फिल्म के सर्वेसर्वा आदित्य चोपड़ा, फिल्मकार संजय लीला भंसाली, टैलेंट मैनेजमेंट प्रोफेशनल रेशमा शेट्टी जैसे दिग्गज शामिल हैं। दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। हरिवंश राय बच्चन की अमर रचना मधुशाला को आपने कई बार सुना होगा। कई दशकों से इस रचना का जादू बरकरार है, लेकिन विदेशी धरती पर जब एक यूनिवर्सिटी में अनूठे अंदाज में इसका पाठ हुआ तो खुद अमिताभ बच्चन भी भावुक हो उठे। मध्य यूरोप के देश पोलैंड के एक बेहद खूबसूरत शहर रोकला से उठी ये स्वर लहरियां किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती हैं। अपनी बारोक और गॉथिक वास्तुकला के लिए खास पहचान रखने वाले पोलैंड के चौथे सबसे बड़े शहर रोकला की एक यूनिवर्सिटी में छात्रों ने बेहद सधे हुए सुरों में मधुशाला का पाठ किया। कवि हरिवंश राय बच्चन की उसी मधुशाला का, जिसमें जीवन की जटिलताओं को मदिरा और मदिरालय के जरिए खूबसूरती और संजीदगी के साथ सामने रखा गया है। पोलैंड के रोकला शहर को यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर यानी साहित्य के शहर का दर्जा दे रखा है और इस शहर में मधुशाला का पाठ मायने रखता है। सात समंदर पार मधुशाला के इस पाठ ने सदी के महानायक की कोरोना की तकलीफ को भी एक बार के लिए कम कर दिया। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला। खुद भी कई बार मधुशाला का पाठ कर चुके अमिताभ इन तस्वीरों को देखकर भावुक हो गए। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ कि राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। उनकी आंखें छलक आई। उन्होंने रोकला में मधुशाला के पाठ का ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा, पोलैंड के रोकला को यूनेस्को का सिटी ऑफ लिटरेचर का अवार्ड मिला था। आज उन्होंने यूनिवर्सिटी की छत पर बाबूजी की मधुशाला का पाठ किया
देखकर खुशी से मेरे आंसू छलक पड़े और अमिताभ यूं ही इस वीडियो को देखकर भावुक नहीं हो गए। 85 साल पहले अपने पिता हरिवंश राय बच्चन की लिखी हुई इस अमर रचना के मुरीद खुद अमिताभ रहे हैं। कई मौकों पर उन्होंने इसका पाठ भी किया है। मधुशाला पहली बार 1935 में प्रकाशित हुई थी। ये बच्चन की रचना त्रय मधुबाला और मधुकलश का हिस्सा है। मधुशाला उमर खयाम की रुबाइयों से प्रेरित है। खयाम की रुबाइयों का बच्चन ने हिंदी अनुवाद भी किया था। मधुशाला के बाद बच्चन को हालाबाद का पुरोधा कहा जाने लगा था। हालांकि शराब की प्रशंसा के लिए मधुशाला की आलोचना भी हुई थी, लेकिन खुद महात्मा गांधी ने इस आलोचना को खारिज किया था। आलोचना अपनी जगह है, लेकिन सच ये है कि मधुशाला साहित्य की अमर रचना बन गई और ये वीडियो इस बात की तस्दीक करता है। आज तक ब्यूरो।